हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम को हैकिंग से कैसे रोक सकते हैं आप। जैसे कि व्हाट्सअप में मैंने बताया था कि व्हाट्सअप को आप हैकिंग से कैसे रोक सकते हैं, उसी प्रकार से ही इंस्टाग्राम के आज हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम को हैकिंग से कैसे रोका जाता है। कल की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके बिना मर्जी के इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज़ तो नहीं कर रहा। सो आज वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और अभी जानेंगे हम कि इंस्टाग्राम अकाउंट को हैकिंग से कैसे रोका जाता है। इसमें भी कुछ सिक्योरिटी स्टेप्स होते हैं जिसको आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यार, अब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको जाना है अपने प्रोफाइल वाले पेज में। प्रोफाइल वाले पेज में चले जाने के बाद आपको यहाँ पर थ्री लकीर वाला डॉट दिख रहा होगा। और एक चीज़ यार, अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, आपको आईडी तो सामने दिख ही रही। तो आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिख रहा है, वहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको दिखता है टू फैक्टर वाला, वहाँ पर जाना है। यहाँ चले जाने के बाद आपको जाना है गेट स्टार्टेड पर। गेट स्टार्टेड पर जाने के बाद आपको तीन प्रकार का इनेबल करने का दिखता है। फर्स्ट है एप्लीकेशन के द्वारा, सेकंड है व्हाट्सएप एप्लीकेशन के द्वारा, और थर्ड है टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। तो यहाँ पर यार फर्स्ट वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। व्हाट्सएप तो हर किसी के पास होगा ही, तो व्हाट्सएप तो अब आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। टेक्स्ट मैसेज हमेशा रहता है यार मोबाइल पे, तो आप फर्स्ट वाले मत करना, सेकंड व्हाट्सएप और थर्ड के थ्रू ही आप करना। तो यहाँ पर मैं पहले करता हूँ थर्ड वाले से टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, यहाँ पर टू फैक्टर अनेबल करता हूँ। तो अनेबल करने के बाद आपको दिखेगा ऐड फोन नंबर, यहाँ पर आप वही नंबर ऐड करना जिस नंबर से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए हो। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर ऐड कर लिया, फिर यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यार आपके फ़ोन पर जिस नंबर पर आप यहाँ पर डाले हो उसी नंबर पर आपके मैसेज आएगा, मैसेज में ही कोड होगा। तो यहाँ पर मेरा मेरे फ़ोन पर मैसेज आ गया है, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर यार मेरा कोड ये आ गया, ये वाला जो कोड है यहाँ पर 681394। तो यहाँ पर मैं उसी कोड को यहाँ पर अब अप्लाई कर दूँगा, 681 फिर है 394। सिंपली यहाँ पर जो मैसेज में कोड आएगा उसी कोड को यहाँ पर डालने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यार क्या प्रोसेस होता है वो आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया, टू फैक्टर आपका ऑन हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर लेना, गेट योर लॉगिन कोड्स थ्रू व्हाट्सअप। व्हाट्सअप को इसको भी आपको क्या कर लेना, ऑन कर लेना है। फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखे जाएगा चेक इफ़ योर फ़ोन नंबर इज़ ऑन व्हाट्सअप। तो यहाँ पर यार ये बोल रहा है कि आप चेक कर लीजिए कि आपका व्हाट्सअप नंबर कौन सा है। अगर यही जो पहले आप टेक्स्ट मैसेज के लिए अनेबल कर रहे थे तब भी नंबर डाले थे वही वाला नंबर है, तो आप सिंपली यहाँ पर ओके कर देना, आपका वही नंबर आ जाएगा। फिर अगर आप चेक करना चेंज करना चाहते हैं नंबर को तो सिंपली टच करके आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा यही नंबर है, तो मैं यहाँ पर अभी डायरेक्टली यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, कोड, यही कोड को यहाँ पर फिर से अप्लाई कर देते हैं। मेरा कोड है 608 और फिर है 245। यार इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो रिकवरी कोड्स आता है उसको आपको कहीं भी, आप जहाँ डायरी रखते हो, यार हर किसी को डायरी तो रखना ही चाहिए अपने, जैसे कि पासवर्ड वगैरह है, जीमेल वीमेल, ये सब चीज़ कवर करके उसमें डायरी पर रखना चाहिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट, यहाँ से मैं अपना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसको, ये आप इसे हमेशा संभाल के रखें। ये कब काम आएगा, जब आप जैसे कि आपका कोई हैक कर लिया, मान लो कि बाद आपका जो है हैक कर लिया, तो आप इसमें ऑप्शन देगा कि रिकवरी कोड अप्लाई कीजिए। रिकवरी कोड अप्लाई करने के बाद यार बंदे, अगर वो बंदा लॉगिन किया है तो उसका
लॉग आउट हो जाएगा, आपके में लॉग इन होगा, फिर वो बंदा कभी भी लॉग इन नहीं कर पाएगा। तो ये रिकवरी कोड्स का फ़ायदा है, तो रिकवरी कोड को हमेशा संभाल कर रखना, तो ये आपका पूरा अनेबल हो जाता है। WhatsApp के थ्रू भी हो गया, और यहाँ पर आपको करने के बाद दिखा देगा कि WhatsApp के थ्रू आपको अनेबल हो गया, और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी ऑन यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये यार पूरा आपका Instagram अकाउंट सेफ हो चुका है। सो फ्रेंड, अब जान लेते हैं कि टू फैक्टर अनेबल करने से होता क्या चीज़ है। चाहे आपने उसे WhatsApp से किया हो, टेक्स्ट मैसेज से किया हो, या फिर एप्लीकेशन से किया हो, इसमें केवल एक मैसेज आता है। वो मैसेज क्या होता है कि जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड को पता लगा लिया, अगर आपने टू फैक्टर एनेबल ऑन नहीं किया है तो मैं उसे उस अकाउंट को आपके अकाउंट को इसलिए मेरे फ़ोन पर लॉगिन कर सकता हूँ। अगर आपने टू फैक्टर ऑन करके रखा है तो एक जैसे कि मैं उसको आपके अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई अदर डिवाइस में ओपन किया जा रहा है। तो वहाँ पर एक डिजिट 6 डिजिट का कोड आता है, उस कोड को जब तक मैं उस कोड को मेरे फ़ोन पे नहीं डालूंगा, मेरे फ़ोन पे आपका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा। यही होती है सिक्योरिटी। आप अगर मेरे को जानते हो तभी आप उस कोड को मेरे को बताओगे, और नहीं जानते तो यार आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेफ रख सकते हो। सो यही होती है इंस्टाग्राम की हैकिंग को रोकने का तरीका। सो फ्रेंड, ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगली आने वाली वीडियो में आपको कौन से किस बारे में किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए इसी वीडियो में कमेंट कर देना, मैं वही वाला वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं।